मैं हूं आपके साथ शीरीन और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली पहुंच गई है वैक्सीन की पहली खेप। पुणे से दिल्ली पहुंची है कोविशील्ड वैक्सीन की खेप। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना है और उससे पहले 13 शहरों में आज वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। दिल्ली सबसे पहले पहुंची है और पुणे से दिल्ली के अलावा और भी जगहों पर और भी शहरों में ये खेप पहुंचाई जा रही है। 16 जनवरी से महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू होना है तो उससे पहले वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी और उसके बाद सफलतापूर्वक दिल्ली भी पहली जो खेप है वैक्सीन की कोविशील्ड की वो विमान दिल्ली लैंड कर चुका है पुणे से सीधे और अहमदाबाद बताया जा रहा है 11 बजे वो विमान लैंड करेगा जब कोविशील्ड वैक्सीन अहमदाबाद भी पहुंचेगी। और कुल 13 ऐसे शहर हैं जहां पर आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाली कोरोना वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड अलग अलग जगहों पर पहुंचेगी लेकिन सबसे पहले दिल्ली पहुंचा है। और अब देखिए जिसका इंतजार हो रहा था वो वैक्सीन भी बनकर तैयार है और अब अलग अलग जगहों पर ये लोगों को लगाने के लिए पहुंच भी रही है। वैक्सीन की पहुंचने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें जहां सबसे पहले पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की खेप ये दिल्ली पहुंची। 11 बजे का इंतजार जब अहमदाबाद में भी वैक्सीन पहुंच जाएगी। पुणे से अलग अलग जगहों पर कुल 13 शहर हैं जहां पर सबसे पहले ये पहुंचाई जानी है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वैक्सीन को स्टोर करने का तापमान यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। कोविशील्ड एक्सपायरी डेट उसकी क्या है 26 अप्रैल 2021 ये एक्सपायरी डेट है जो कोविशील्ड की खेप पहुंची है। बिक्री के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई है ये कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड जिसकी पहली खेप पुणे से सीधा दिल्ली पहुंची है। ये विमान अब से थोड़ी देर पहले लैंड हुआ है और उस वैक्सीन से जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। उस वैक्सीन के ऊपर ये जो जानकारी एक्सपायरी डेट स्टोर करने का तापमान उसको कितना है। बिक्री के लिए अभी हालांकि उपलब्ध नहीं है। इसका रेट भी तय हो चुका है और इससे लेकर ये साफ भी कर दिया गया है कि अब ये वैक्सीन जल्द से जल्द बाकी लोगों तक भी पहुंचेगी। और ये हम आपको सिर्फ ये जो इस वक्त हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कोविशील्ड से जुड़ी हुई ये उस वैक्सीन की जानकारी जो दिल्ली पहुंची अब से थोड़ी ही देर में। सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस स्टोर करने का इसका तापमान ये होना चाहिए यानी कि इस वैक्सीन को अगर रखा जाना है तो उस जगह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक्सपायरी डेट 26 अप्रैल 2021। और बिक्री के लिए हालांकि उपलब्ध नहीं है अभी। सरकार को ये पहली खेप पहुंचाई गई है क्योंकि पहले ये डॉक्टर्स को लगाई जाएगी ये फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उनको लगाई जाएगी और उसके बाद ये आम लोगों तक भी पहुंचेगी। 16 तारीख से 16 जनवरी वो तारीख है जब वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना है तो उससे पहले की तैयारी। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुणे से ये पहली खेप निकलकर सबसे पहले दिल्ली पहुंची है और 13 शहरों में पहुंचनी है। 11 बजे ये वैक्सीन अहमदाबाद की धरती पर भी पहुंच जाएगी और उसके अलावा अलग अलग जगहों पर इसे पहुंचाया जाना है। जी न्यूज आपको इस वैक्सीन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दे रहा है। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं जिस वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसे स्टोर किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस स्टोर करने का तापमान है इसको। 26 अप्रैल 2021 के बाद इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो खेप ये पहुंची है ये उसकी जानकारी है। एक्सपायरी डेट जो वैक्सीन अभी दिल्ली में उतरी है उसकी जानकारी। एक्सपायरी डेट 26 अप्रैल 2021 और हालांकि अभी ये मार्केट में नहीं है बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ इसका स्टोरेज जो है वो सरकार के पास होगा और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए तो जी न्यूज पर हम आपको ये जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कोविशील्ड वैक्सीन जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आप देखिए 26 अप्रैल 2021 इसकी एक्सपायरी डेट है और ये सिर्फ आप जी न्यूज पर देख रहे हैं ये इंफॉर्मेशन कोविशील्ड से जुड़ी हुई कि आखिर उसे कहां किसके तापमान तक स्टोर किया जा सकता है उसे कब तक इस्तेमाल करना होगा। इस पहली खेप की बात हम कर रहे हैं। फिर से आपको याद दिला दें जो ये पहली खेप आज पहुंची है दिल्ली ये जो लॉट सरकार को अभी दिया गया है इसकी सिर्फ ये जानकारी है कि इसको 26 अप्रैल से पहले पहले इस्तेमाल करना होगा। 2021 सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है जो अब आज स्पाइस जेट के विमान से पहुंची है दिल्ली। पहली खेप इसकी दिल्ली पहुंची है और अब कुल 13 शहर है क्योंकि 16 जनवरी से जो अभियान वैक्सीनेशन का शुरू होना है उससे पहले 13 अलग अलग शहरों में इसे पहुंचाया गया है। कोविड 19
वायरस की ये वैक्सीन जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे, वो वैक्सीन और उस वैक्सीन की पहली तस्वीर सिर्फ जी न्यूज पर है आपके सामने। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं और कहीं आपको नहीं मिलेगी कि आखिर इससे जुड़ी जानकारी ये अहम क्या है। कड़ी सुरक्षा के बीच इसे रवाना किया गया पुणे से। मेरे साथ तीन सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, पुणे से किरण ताजवी हमारे साथ है, ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से, और पीयूषा मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश आपके पास, क्योंकि देखिए जिसका इंतजार हो रहा था पहली खेप सबसे पहले दिल्ली में पहुंच चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा और हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए 10 बजे टाइमिंग थी फ्लाइट की और फ्लाइट आ चुकी है और अभी एयरपोर्ट पर जो स्टोरेज बनाया गया है वहाँ रखा जाएगा। इसके बाद दिल्ली में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है यमुना पार में जीटीबी अस्पताल के साथ, वहाँ पर इसको ले जाया जाएगा, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है। देखिए पुणे से आज जो फ्लाइट्स जा रही हैं वो 13 जगह जाएंगी, लेकिन हम दर्शकों को बता चुके हैं कि इसके अलावा 4 महानगरों के अलावा जो देश में 41 और सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में ये वैक्सीन पहुँच जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि HLL लाइफ केयर लिमिटेड ये भारत सरकार की सब्सिडरी कंपनी है, ये इसको हैंडल कर रही है। इसने ऑर्डर दिया है अभी 1,10,00,000 डोज का सीरम इंस्टीट्यूट को, तो वो जो 1,10,00,000 डोज हैं वो अभी अगले 2-3 दिन में जो 41 सेंटर हैं वहाँ पर पहुँचेगी। इसके साथ ही 4,50,00,000 जो डोज हैं इसके बाद 16 तारीख के बाद उपलब्ध कराएगा सीरम इंस्टीट्यूट। तो ये ऑर्डर दिया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जो जिसको हैंडल कर रही है जैसा हम बता रहे हैं HLL लाइफ केयर लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है, ये हैंडल कर रही है, ऑर्डर दे चुकी है। और अब हर जगह धीरे धीरे आपको इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी जहां जैसे ही फ्लाइट लैंड करेगी, जहां पर कार्गो पहुंचेगा और वहां पर वैक्सीन की इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तैयारी पहले ही कर चुकी है। जी बिल्कुल, और देखिए तैयारी से लेकर पूरी इसलिए है क्योंकि 16 जनवरी से वैक्सीन का ये महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू भी होना है, तो उससे पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सही तरीके से सुरक्षित तरीके से वैक्सीन को पहुंचाया जाए। अब किरण के पास चलते हैं, किरण ताजनी पुणे से हमारे साथ हैं। किरण ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि पुणे से ही अलग अलग 13 शहरों में पहुंचाई जानी है 56,00,000 खुराक से भी ज्यादा खुराक अलग अलग जगहों पर। शरीन देश के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, हम यहाँ पुणे के एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो कंटेनर है वो कुछ ही मिनट पहले एयरपोर्ट से बाहर आ चुका है। सुबह से सीरम इंस्टीट्यूट से 3 कंटेनर बाहर आए थे और वो सब कंटेनर पुणे के एयरपोर्ट में दाखिल हुए थे। उसके बाद उनमें जो रखे हुए थे जो बॉक्स वहाँ से उनको वितरित करना शुरू हो गया है। पुणे से 8 फ्लाइट जो है वो देश के 13 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुणे से वैक्सीन का। जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनमें से केंद्र सरकार ने 2 करोड़ का वैक्सीन का ऑर्डर किया है और पहले बारी में वहाँ के 65,00,000 जो वैक्सीन है वो आज के दिन वितरित होने वाला है। इसका इंतजाम पूरी तरह से यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं कि सामने जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है वो उनमें से जो वैक्सीन आई थी वो नीचे उतरने का काम शुरू कर दिया है और सामने से जो फ्लाइट आएगी वो एक एक करके आज पूरे दिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये शुरू होगा। और अभी देश के लिए सबसे बड़ी बात है, गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट यहाँ से रवाना हो चुकी है और आगे आगे एक एक करके पूरे देश में ऐसा 4 दिन ये सब प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है वो जारी है जाहिर तौर पर। पीयूषा, और इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या होगी कोरोना काल में, क्योंकि इंतजार पहले वैक्सीन बनने का और उसके बाद ये पहुंचेगी कब, तो देखिए रवानगी भी हो गई है कई जगहों के लिए और दिल्ली में तो आगमन भी, सबसे बड़ी गुड न्यूज़। जी बिल्कुल, दिल्ली में आ चुकी है वैक्सीन और पहले से ही जो कहा जा रहा था हम लगातार दिखा रहे थे कि ड्राई रन हो रहा है, 8 तारीख को ड्राई रन हुआ था और उसके अगले ही दिन ये बता दिया गया था कि करीब 12 से 13 तारीख के आसपास दिल्ली में और सभी जगहों पर वैक्सीन जो है वो पुणे से आ जाएगी। और बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि 16 तारीख को वैक्सीन सबको मिलनी है तो उससे पहले आज 12 तारीख को ही वैक्सीन समय पर सभी जगहों पर खासतौर पर अभी दिल्ली पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर जो वैक्सीन
का पहला लॉट आया है उसमें 34 बॉक्सेस का ये लॉट है जो सीधे यहाँ से कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा। जो ट्रक्स है उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन करके फिर उसको राजीव गांधी अस्पताल लेकर जाया जाएगा और वहां पर इसको फिर स्टोर करके रखा जाएगा, जिसके बाद 16 तारीख को जो वैक्सीन है वो लोगों को दी जाएगी। और ये सबसे पहले सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, वो तमाम लोग जो कि कोरोना के कोरोना वैक्सीन कोरोना के समय में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जिन्होंने काम किया, तो सबसे पहले जो ये वैक्सीन का डोज है ये उन सभी लोगों को 16 तारीख को दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में वैक्सीन आ भी गई है और बाकी भी सभी तैयारियां जो अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर पूरी हो चुकी है कि किस तरह से वैक्सीन जो है वो पहला डोज लोगों को वैक्सीन का 16 तारीख को अब मिल जाएगा। बिल्कुल, और वो वक्त आ गया है, वो इंतजार अब खत्म हो गया है और वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच भी गई है, लेकिन दूसरी खेप अब जो इंतजार हो रहा है 11 बजे थोड़ी देर बाद अहमदाबाद पहुंचनी है। गांधीनगर का रुख कर लेते हैं, ब्रजेश दोषी मेरे साथ हैं। ब्रजेश, दिल्ली में तो ये गुड न्यूज मिल गई और अहमदाबाद में बस थोड़ी देर का इंतजार और। बिल्कुल, अहमदाबाद में भी जो है थोड़ी देर में वैक्सीन का पहला जत्था जो है वो पहुंचने वाला है और मैं अभी जहां पे हूँ गांधीनगर का ये रीजनल वैक्सीन स्टोर है, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। जो रीजनल वैक्सीन स्टोर है जहां पे सारी सुविधाएं की गई है, 8 से 10 लाख वैक्सीन डोज जहां पे रहेंगे, पूरी व्यवस्था यहां पे की गई है, किसी को भी यहां पे परमिशन नहीं दी जाएगी। और ये वैक्सीन स्टोर होने की एक जो प्रक्रिया है, जब घर में कोई शुभ कार्य या शुभ प्रसंग होता है और शुभ घड़ी आती है तब जिस तरह की व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था आज गांधीनगर के ये वैक्सीन स्टोर पे की गई है। फूल लगाए गए हैं और रिबिन भी यहाँ पे लगाया हुआ है पूरी तरह से। देखिए, ये जो पूरा प्रोटोकॉल जो रहता है, जब कोई नई चीज होने वाली हो, एक शुभ कार्य होने वाला होता है, तब जिस तरह की प्रक्रिया होती है वो पूरी यहाँ पे दिखाई जा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वैक्सीन स्टोर है, यहाँ पे वैक्सीन का डोज रहेगा। ये जो वॉक इन कूलर है 3, जहाँ पे 8 से 10 लाख वैक्सीन जो है वो स्टोर की जाएगी और यहीं से वो जो वैक्सीन का जत्था है वो 6 जिलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गांधीनगर का ये रीजनल वैक्सीन सेंटर है जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ये जो पूरा जो फ्रीज है, कूलर है, जिसके अंदर ये वैक्सीन रखी जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे 8 से 10 लाख वैक्सीन का डोज रहेगा और उसके बाद यह जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। ये स्टोरेज फैसिलिटी है और यहाँ पे बाकायदा रिबिन लगाई गई है, जब यहाँ पे वैक्सीन पहुंचेगी और वैक्सीन को यहाँ पे रखा जाएगा तब रिबिन काटा जाएगा और रिबिन काटने के बाद जो है वो यहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा। तो ये वैक्सीन स्टोर है जहाँ पे अब सिर्फ थोड़ी मिनटों के बाद वैक्सीन पहुंचेगी और वैक्सीन पहुंचने के बाद यहां से उसको 6 जिलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और फ्रंटलाइन जो हेल्थ वर्कर्स है उनको वो वैक्सीन दी जाएगी 16 जनवरी को। जी, जाहिर तौर पर 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है उससे पहले की तैयारियां, ताकि सही और सुरक्षित तरीके से अलग अलग जगहों में 13 शहरों में ये वैक्सीन पहुंचनी है। अहमदाबाद में इंतजार हो रहा है, दिल्ली में पहुंच चुकी है, आगे भी इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपको हम देंगे। सभी सहयोगी मेरे साथ। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।